आज हम एक ऐसी बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले एक साल में ही 86% का रिटर्न दिया है, जिसके बाद कोई इसे नेक्स्ट HDFC बैंक बोल रहा है तो कोई इसे नेक्स्ट ICICI बैंक बोल रहा है। तो ऐसे में ये समझना तो बहुत ज़रूरी होता है कि क्या सही में इस बैंक में वो पोटेंशियल है, क्या सही में इस बैंक में वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके साथ ही ये चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या जिस वैल्यूएशन पर IDFC फर्स्ट ट्रेड कर रही है क्या वो भी सही है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है फेलो, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, जब जब IDFC फर्स्ट बैंक की बात होती है एक व्यक्ति की हमेशा बात होती है और वो है वी वैद्यनाथन, जो कि इस बैंक के MD और CEO है। अब देखिए, अगर आपको IDFC फर्स्ट बैंक को समझना है तो उसके लिए आपको वी वैद्यनाथन को समझना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए शुरुआत हम उन्हीं से करेंगे। वी वैद्यनाथन ने 1990 में सिटी बैंक से अपने करियर की शुरुआत की। 10 साल वहाँ पर काम करने के बाद उन्होंने ICICI बैंक ज्वाइन की और ICICI बैंक में रिटेल डिवीजन पर वो काम कर रहे थे। थोड़ा आपको ICICI बैंक का भी उस टाइम का थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। उस टाइम ICICI का जो रिटेल एक्सपोजर था वो बहुत कम था, तो ऐसे में बैंक ने डिसाइड किया कि हम रिटेल की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने वी वैद्यनाथन को उसी काम पर लगा दिया और फिर एट द एज ऑफ 32 वो बन गए ICICI पर्सनल फाइनेंस सर्विसेज के MD और CEO। उसके बाद वो साल 2002 में ICICI बैंक के रिटेल बैंकिंग के हेड बन गए और वहाँ पर उन्होंने 1400 ब्रांचेस बढ़ाने में बैंक की मदद की, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट अट्रैक्ट करने में और रिटेल कस्टमर्स को लोन देने में बैंक की मदद की। इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के चलते उनकी ग्रोथ ICICI में बहुत तेज़ी से होने लगी। सिर्फ 38 के एज में वो ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए और 41 के एज में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO बन गए। अब ये सारी अचीवमेंट्स पाने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि अब कुछ नया करते हैं और फिर अप्रैल 2010 में जब वो फ्लाइट से हैदराबाद जा रहे थे तो फ्लाइट में उनकी मुलाकात हुई किशोर बियानी से। किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर, तो फ्यूचर ग्रुप की एक NBFC कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स और वो बड़ी स्ट्रगल कर रही थी। तो तभी किशोर बियानी ने वी वैद्यनाथन को ये ऑफर दी कि आप इस बिजनेस में मेरे पार्टनर बन जाइए, मैं आपको 10% स्टेक दे देता हूँ और फिर आप इस बिजनेस को टर्न अराउंड कीजिए और सक्सेसफुल बनाइए। फ्यूचर कैपिटल को किशोर बियानी ने अपने एक दोस्त समीर सेन के साथ शुरू किया था, जो कि एग्जीक्यूटिव थे गोल्डमैन सैक्स में। लेकिन यहाँ पर किशोर बियानी फोकस करना चाहते थे रिटेल लोन्स पर, वहीं समीर सेन फोकस करना चाहते थे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी पर। दोनों में मतभेद हुए और फिर बाद में दोनों ने अलग अलग रास्ता चुन लिया। तो ऐसे में किशोर बियानी को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इस बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाए और वी वैद्यनाथन में उनने वो चीज़ देखी। उसके बाद मिस्टर बियानी ने कई सारे फॉलोअप्स लिए और उसके बाद वी वैद्यनाथन मान गए। अगस्त 2010 में मिस्टर वैद्यनाथन ने फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स को ज्वाइन किया। उसके बाद वी वैद्यनाथन ने फटाफट अपनी टॉप नॉच टीम बनाई और फिर रिटेल बिजनेस पर फोकस करना शुरू किया। 2019 में जहां पर रिटेल लोन्स का जो शेयर था वो सिर्फ 19% था, उसे उन्होंने 2011-12 में 42% पर लाया। चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलना शुरू ही हो गई थी, तभी फ्यूचर ग्रुप प्रॉब्लम में आने लगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कर्जे लेकर अपने बिजनेसेस को बिल्ड किया था। तो ऐसे में किशोर बियानी ने डिसाइड किया कि हम अपना रिटेल बिजनेस छोड़कर बाकी सारे बिजनेसेस बेच देंगे, जिसका मतलब था कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो फ्यूचर कैपिटल को बेच देंगे। इसी बीच साल 2012 में एक शाम वी वैद्यनाथन दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे और उनकी बात हुई नरेंद्र ओस्तवाल से, जो उस टाइम वारबर्ग पिनकस, जो कि एक बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसमें एक बड़े पोजीशन पर काम करते थे। तब मिस्टर वैद्यनाथन ने मिस्टर ओस्तवाल के सामने ये प्रपोजल रखा कि मिस्टर बियानी अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं फ्यूचर कैपिटल को, तो ऐसे में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा है। जल्दी मिस्टर ओस्तवाल मान गए, उनकी प्राइवेट इक्विटी फर्म भी मान गई और उन्होंने 40% स्टेक उस कंपनी में ले लिया और मिस्टर बियानी ने अपना बाकी 26% स्टेक ओपन मार्केट में भेज दिया और वी वैद्यनाथन का जो 10% स्टेक था वो वैसा का वैसा उनके पास था। और उसके बाद वारबर्ग पिनकस ने डिसाइड किया कि हम कंपनी का नाम बदल कर कैपिटल फर्स्ट करेंगे और साथ ही उन्होंने वी वैद्यनाथन को ही बोला कि आप ही कंपनी को लीड कीजिए और उन्हें कंपनी का चेयरमैन बना दिया। 2010 से लेकर 2018 के बीच मिस्टर वैद्यनाथन की टीम ने कंपनी के रिटेल लोन्स को 94 करोड़ से 25,000 करोड़ पर लाया। इसी बीच उन्होंने कंपनी का ग्रॉस NPA 5% से 2% पर और नेट NPA 3% से 1% पर लाया। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, 2009 में जहां पर कंपनी को 30 करोड़ का लॉस था और 2010 में 32 करोड़ का लॉस था, उसे उन्होंने 2018 तक 327 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील कर दिया। इस स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ के चलते कंपनी की शेयर प्राइस 130 रुपीज़ से 850 के भी ऊपर चले गए, यानी 500% रिटर्न्स इन 5 ईयर्स। तो अपनी इस फास्ट ग्रोथ को बनाए रखने के लिए IDFC फर्स्ट को जरूरत थी बैंकिंग लाइसेंस की, ताकि अपने बिजनेस को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट उनके पास आ सके। अब देखिए, इसका लॉजिक क्या होता है आपको समझा देता हूँ कि एज एन NBFC अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी चलाते हैं तो आप करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, तो
तो अगर आपको अपना डिपॉजिट बेस बढ़ाना है तो उसके लिए बैंकिंग लाइसेंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद लोग आपके पास सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, कंपनीज आपके पास करंट अकाउंट खोल सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? करंट अकाउंट पर आपको जीरो इंटरेस्ट देना है, यानी लो कॉस्ट फंड का एक्विजिशन आपके पास हो रहा है। बात सिर्फ करंट अकाउंट की नहीं है, सेविंग अकाउंट में भी बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। बैंक्स हार्डली 2-3% के इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर देती है, जिससे बहुत कम कॉस्ट में फंड अक्वायर करने में मदद हो जाती है। और अपने इस ग्रोथ स्टेज में IDFC फर्स्ट को जरूरत थी बैंकिंग लाइसेंस की। लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया में बैंकिंग लाइसेंस लाना मतलब वर्ल्ड कप जीतने जैसा है, वो जल्दी मिलता ही नहीं है। मुझे लगता है कि 2015 में इन्होंने बंधन बैंक को दिया था, उसके बाद शायद ही किसी बैंक को मिला है। तो इसीलिए इसका एक शॉर्टकट होता है, या तो कोई बैंक है जो डूबने के करीब आई है उसको आप अक्वायर कर लो, या फिर मर्जर कर लो। जैसे PMC बैंक है, तो उसे हमने देखा कि भारत पे और उनके साथ सेंट्रम ग्रुप, उन्होंने अक्वायर करने की प्रोसेस की थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन होती है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटिव डिसीजंस लेते हैं, अच्छी हैबिट्स अपनाते हैं, तो 90% मुश्किलें आप टाल सकते हैं। और उनमें से ही एक इंपॉर्टेंट हैबिट है सेविंग की। हमारी पहली जनरेशन तो बहुत अच्छी खासी सेविंग कर लेती थी, लेकिन आज की यंग जनरेशन वो नहीं कर पा रही है। सेविंग्स का ऐसा है कि आप जितने यंग एज में इसे शुरू करेंगे उतना बेहतर। सेविंग्स के लिए कई सारे ऑनलाइन ऐप्स आज अवेलेबल है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट टूल के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका नाम है फेलो ऐप, जो यंग अडल्ट्स को सेविंग करने में बड़ी मदद करता है। ये ऐप आपकी सेविंग को रिवॉर्डिंग बनाता है और यहाँ पर आप अपने सेविंग पर 12% तक के रिटर्न्स पा सकते हैं। फेलो ऐप हमारे जैसे यूजर्स को RBI सर्टिफाइड P2P एसेट में इन्वेस्ट करने में और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है और उसमें मदद भी करता है। तो तुरंत डाउनलोड करें फेलो ऐप और अपनी सेविंग जर्नी अभी से शुरू करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। देखिए, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि पीयर टू पीयर लेंडिंग एक अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, तो उसका आप डिटेल एनालिसिस करें और उसके बाद अपने डिसीजन लें। तो जब कैपिटल फर्स्ट अपने लिए एक ऐसा साथीदार ढूंढ रही थी जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस हो, उसी टाइम IDFC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी भी इसी तरह के पार्टनर की तलाश में थी। अब IDFC का बैकग्राउंड आपको क्विकली समझा देता हूँ। 1997 में IDFC की शुरुआत हुई, जिनका मेन फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करना, और उसमें उन्हें काफी सक्सेस भी मिला। जब साल 2005 में राजीव लाल ने इस कंपनी को ज्वाइन किया, उन्होंने बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ाया, साथ ही कंपनी की एसेट मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में भी उन्होंने एंट्री करवाई। इसके बाद 2014 में IDFC को RBI की तरफ से लाइसेंस मिला बैंकिंग ऑपरेशन शुरू करने का, जो कि उनके लिए अगेन टर्निंग पॉइंट था। लेकिन IDFC के सामने उस टाइम सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, वो ये थी कि उनका जो 90% लोन बुक था वो पूरी तरह से होलसेल था। होलसेल यानी या तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड किया था, या तो उन्होंने कॉर्पोरेट लोन्स दिए थे। सिर्फ 10% ही ऐसे लोन्स थे जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को या फिर आम लोगों को दिए गए थे। अब यहाँ पर IDFC को जरूरत थी एक ऐसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर की जो उन्हें मदद करे रिटेल सेगमेंट में जाने में। अब देखिए, IDFC फर्स्ट ने जो डिसीजन लिया, मेरे हिसाब से बहुत स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि देखिए आपको बता दूं कि इंडिया में अगर आपको बहुत सक्सेसफुल बैंक बनना है तो आपके पास रिटेल सेगमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बंधन बैंक जो कि माइक्रो लेंडिंग में काम करता है, उनका बिजनेस रिटेल बहुत अच्छा चल रहा था, तभी बैंक को लगा कि उन्हें फटाफट कॉर्पोरेट लोन की तरफ जाना चाहिए। एक बड़ा लोन उन्होंने पास किया IIFL को, जो कि डिफॉल्ट हुआ और पूरी की पूरी बैंक ही प्रॉब्लम में आ गई, जो आज तक उभर नहीं पाई है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोन्स हैं उनका जो डिफॉल्ट रेट है वो रिटेल कस्टमर से ज़्यादा है। साथ ही क्या है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़े लोन देते हो तो बहुत बड़ी अमाउंट आपकी एक दो जगह पर फंस जाती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल रिस्क बढ़ जाती है। और इसीलिए किसी भी बैंक को अगर अच्छे तरीके से ऑपरेशन चलाने हैं तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना जरूरी है, जो कि IDFC के पास तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर जनवरी 2018 में IDFC और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ और बैंक का नाम बन गया IDFC फर्स्ट बैंक। इसके बाद वी वैद्यनाथन को ही बोला गया कि आप इस बैंक को लीड कीजिए और बैंक के MD और CEO बन जाइए। और उसके बाद मिस्टर वैद्यनाथन ने पूरा फोकस रखा रिटेल बिजनेस बढ़ाने के लिए, जिसके लिए ही IDFC ने ये मर्जर किया था। अब यहाँ पर 2018 में बैंक्स ने कुल मिलाकर 73,000 करोड़ के लोन्स दिए थे, जिसका नंबर फाइनेंशियल 2023 तक बढ़कर 1,54,000 करोड़ हुआ था। दिखने में तो ये 5 साल में डबल दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसे कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ की नज़र से देखें तो ये नंबर बहुत कम है, 6.99% है। जब मिस्टर वैद्यनाथन से पूछा गया कि ऐसा क्यों, ये ग्रोथ यहाँ पर आपकी जो लोन देने की ग्रोथ है वो कम क्यों है, तो उनका ये जवाब था कि हमें चौके और छक्के नहीं मारने हैं, हमें ग्राउंड पर टिके रहना है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसका जवाब डेटा में भी ढूंढा जाए, तो हमें ये दिखा कि कंपनी के जो रिटेल लोन बुक है वो 2018 में 36,000 करोड़ की थी और वो 2023 तक तेजी से बढ़कर 1,26,000 करोड़ हो गई। यानी इनकी रिटेल लोन बुक पिछले 5 साल में कंपाउंडेड सालाना 23% से बढ़ी है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। बढ़कर रिटेल लोन बुक इतनी तेजी से बढ़ी है तो फिर ओवरऑल लोन बुक इनकी क्यों नहीं बढ़ी? इसका जवाब यह है कि कंपनी ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट लोन से उनको देना कम कर दिया है।
इनके ओवरऑल लोन्स जो थे इंफ्रास्ट्रक्चर और होलसेल में वो 56,000 करोड़ थे 2018 में, जो कि 2023 आते आते हो गए सिर्फ 28,000 करोड़, यानी बढ़ने की बजाय वहाँ पर उस लोन बुक को कम किया गया। अब ऐसा क्यों? उसका रीज़न समझने के लिए आप ये ग्राफ देखिए। यहाँ पर कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और होलसेल लोन का जो ग्रॉस NPA है वो 7% तक चला गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स का जो NPA होता है वो हिस्टोरिकली कंपेयर टू रिटेल लोन ज़्यादा रहा है, और यही प्रॉब्लम यही दिक्कत IDFC को भी हो रही थी, तभी उन्होंने रिटेल में जाने का फैसला किया। तो ओवरऑल अगर रिस्क एंगल से बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को कम करना एक बहुत पॉजिटिव चीज़ रही है कंपनी के लिए पिछले कुछ सालों में। और एक चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो यह है कि 2018 में आप देख सकते हैं कि होलसेल डिपॉजिट 73% के थे, रिटेल डिपॉजिट सिर्फ 27% के थे, पिछले 5 साल में पूरी तरह से पलट कर उल्टा हो गया है। अब यहाँ पर 76% डिपॉजिट कहाँ से आ रहे हैं? वो रिटेल कस्टमर से आ रहे हैं। अब रिटेल डिपॉजिट आपके बढ़ते हैं तो आपकी फंड एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाती है, आपका कासा रेशो भी बढ़ जाता है। कंपनी का कासा रेशो 2018 में 5000 करोड़ के करीब था, जो कि अभी 23 तक 71,000 करोड़ पर आ गया है। अगर मैं इसे रेशो के हिसाब से बात करूँ, यानी अगर कंपनी के पास 100 रुपये की डिपॉजिट है उसमें से कितने रुपये के डिपॉजिट करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आए हैं, तो उससे मैं शायद और बेटर तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। तो कंपनी का कासा रेशो 2018 में 8.7% था, यानी 100 में से सिर्फ 8-9 रुपये ही करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से आते थे, जो कि अब पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंटली 50% के करीब है। कासा रेशो आइडियली 30% के ऊपर होना चाहिए, पर 50% के आसपास है तो बहुत अच्छी ये फिगर है। फिर इसी दौरान कंपनी ने ये भी फोकस किया कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, तो फिर उन्होंने क्रेडिट कार्ड रूरल में एंट्री करके वहाँ पर भी उन्होंने कई सारे लोन्स दिए, और इस तरह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्होंने अभी बना लिया है। इन सारी चीज़ों के चलते कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों में बढ़ोतरी दिख रही है। देखिए, किसी भी बैंक का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है? वो होता है उसका NPA। अगर हम कंपनी के ओवरऑल NPA पर नज़र डालें तो कंपनी का ग्रॉस NPA आ चुका है 2.96% पर और नेट NPA आया है 1.03% पर, और जहां तक हिस्टोरिकली आप देखें तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कंपनी को और फोकस करना चाहिए कि कैसे वो अपना ग्रॉस NPA 2.5% से नीचे लाए, और ये आई थिंक तभी हो पाएगा जब इनका इंफ्रा लोन और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब देखिए, इस बैंक की जो शेयर प्राइस है वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन उसके साथ ही कई सारे कंसर्न्स आए हैं वैल्यूएशन को लेकर कि क्या वो ज़्यादा तो नहीं हो गया, उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। उससे पहले मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डाल के एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड सालाना 12% से और पिछले 5 साल में कंपाउंडेड सालाना 20% से बढ़ा है। वहीं पर कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल है, लेकिन एक चीज़ आपको हाईलाइट करनी चाहिए कि कंपनी की यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है। अब ये इसलिए भी है कि इन्होंने इंफ्रा लोन अपने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए, जिससे इनके जो डिफॉल्ट्स हैं इंफ्रा में वो भी कम होते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी चाहिए यहाँ पर वो है कंपनी के प्रोविजंस। 2018 में इन खराब लोन्स के चलते कंपनी को कुछ पैसा साइड में रखना पड़ता है, ये समझ के कि शायद इतने डिफॉल्ट हो सकता है। तो 2018 में ये जो प्रोविजन थी वो 404 करोड़ की थी, जो कि अभी 2021 में 22 में 23 में हमेशा 2000 करोड़ के ऊपर रही है। तो आप अगर इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी होगी कि जल्द से जल्द ये इंफ्रा लोन से हट जाए, नहीं तो ये प्रोविजंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये कंपनी के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। वहीं पर अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, NPA बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। कंपनी की ब्रांचेस 2018 में 150 के करीब थी, जो कि अभी बढ़कर 800 से ज़्यादा हो गई है, यानी कि वहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन कंपनी का चल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वी वैद्यनाथन को किंग कहा जाता है रिटेल सेगमेंट का, और वहाँ पर वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। अगर उनकी गाड़ी कोई पीछे खींच रहा है तो हमने समझ लिया कि वो है इंफ्रा और होलसेल लोन्स। तो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कितने जल्दी ये बैंक अपनी इंफ्रा होलसेल लोन को कट करती है। अब देखिए, इसके बाद सवाल ये आता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो आपको बता दूं कि फिलहाल कंपनी का जो पी रेशो है वो 22 है, और जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ कि पी रेशो अकेले देखा जाए तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, उसके साथ आपको कंपनी की ग्रोथ भी देखनी होती है। देखिए, जितना पी है लगभग उतनी ही कंपनी की ग्रोथ भी है। अगर सेम प्रॉफिट ग्रोथ आगे भी जारी रहती है तो ये वैल्यूएशन कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वैल्यूएशन फिलहाल के हिसाब से बहुत ओवर वैल्यूड हो जाएगा। और यहाँ पर हमने एक चीज़ भी हाईलाइट की थी कि कंपनी का जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो प्रॉफिट के कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो है, लेकिन जिस हिसाब से एक्सपेंशन चल रहा है शायद उस हिसाब से सेल्स ग्रोथ आने वाले टाइम में आपको दिखने भी मिले। लेकिन अगर हम ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ICICI बैंक के अगर आप फाइनेंशियल देखते हो पिछले 3 साल के 5 साल के, तो वो भी बहुत स्ट्रांग बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो वैल्यूएशन है ICICI का वो IDFC फर्स्ट से कम है। तो ऐसे में अगर करंट वैल्यूएशन की बात करें तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं, लेकिन फेयर के थोड़ा ऊपर ही लग रहा है। तो इस वीडियो में दिए गए डेटा पॉइंट की मदद से आप इस कंपनी का और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, इस बैंक के और डिटेल में जा सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि क्या ये बैंक नेक्स्ट ICICI और HDFC बनेगी, तो वो एक रिस्क यहाँ पर है, वो है कि 1% रिस्क, बहुत सारी डिपेंडेंसी वी वैद्यनाथन के ऊपर है कि कब तक वो बैंक को चलाते हैं, बिकॉज बैंक्स में कई सारे रेगुलेशंस हैं,
कोई एक पर्टिकुलर सीईओ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चला सकता किसी बैंक को। तो अगर कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पर बदल जाता है, या फिर मिस्टर वैद्यनाथन जो कि अभी 55 ईयर्स के हो गए हैं, वो अगर बैंक की डिसीजन मेकिंग से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर आपको बैंक को फिर से एनालाइज करना पड़ेगा। बिकॉज इस बैंक में जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो कंपनी का मैनेजमेंट है, क्योंकि मिस्टर वैद्यनाथन रिटेल के किंग रहे जैसे मैंने आपको बताया, तो उसका बैंक को ज़रूर फायदा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस में जरूर ध्यान में रखें। तो आई होप आपको IDFC फर्स्ट के बारे में बहुत डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो से मिल गई होगी। आपके दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे शायद वो भी क्लियर हो चुके होंगे, और कंपनी के एग्जैक्ट फंडामेंटल्स आपके सामने होपफुली आज आ गए होंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ताकि YouTube को पता चले कि फिनोशंस कुछ अच्छे वीडियोस बना रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने चाहिए। तो इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने में रुचि रखते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते फेलो को भी जरूर चेकआउट कीजिए जो आपको सेविंग करने में बहुत मदद करेगा।